एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है हमसे कि देखो ये फिगर दिया है, कहा है कि AB इक्वल है AC के और AC ही इक्वल है किसके, AD के, यानी कि AB इक्वल है AC के और AC इक्वल है AD के। जब साइडें इक्वल होती हैं तो उनके ठीक अपोजिट वाले एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। ये हमारा ट्रायंगल का रूल है। तो चलिए देखते हैं AB के ठीक अपोजिट वाला कौन सा है एंगल है, AB के ठीक अपोजिट वाला एंगल ये वाला छोटा वाला एंगल है ये, ठीक है। तो इसे हम लिख लेते हैं एंगल ACB, ठीक है, ACB इक्वल होगा। अब देखो AC के ठीक अपोजिट वाला एंगल, AC के ठीक अपोजिट वाला एंगल ये है, ठीक है। AC के दो अपोजिट एंगल हो रहे हैं, एक इधर और एक इधर, अभी हम इस वाले ट्रायंगल में चल रहे हैं तो इसको लिख रहे हैं, ठीक है। तो एंगल ABC लिख दे रहे हैं, एंगल ABC, ठीक है, इक्वल। अब देखो AB का हो गया, AC का हो गया, ठीक है। अब AC और AD लेंगे तो AC के ठीक अपोजिट वाला एंगल ये है, तो एंगल CDA हो जाएगा इक्वल, ठीक। अब AD के अपोजिट एंगल कौन सा है, ये है, ठीक है। तो DCA या ACD कहो, ठीक है, एंगल ACD कहो, ठीक है। ये हमारे क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो चलिए सॉल्यूशन में लिखते हैं यहां पे। अब देखो बाय ट्रायंगल प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है, ट्रायंगल प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर बी सी डी ले रहे हैं तो तीनों एंगलों का सम कितना होगा, 180 होगा। तो चलो हम लिख लेते हैं ये वाला एंगल, ठीक है, एंगल ए बी सी प्लस एंगल, अब सी जो एंगल सी है वो दो पार्टों में डिवाइड है, ठीक है। तो हम एक एक पार्ट को लिखते हैं, ठीक है, एक एक पार्ट को लिखते हैं, कैसे, एंगल ए सी बी लिखते हैं, एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी प्लस, अब देखो ये वाला एंगल बच गया ना, तो सी डी ए लिख लो, एंगल सी डी ए इज इक्वल टू 180 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हमें क्या दिखाना है कि बी सी डी क्या है, राइट एंगल है, यानी कि बी सी डी में हमारे दो ये एंगल आ रहे हैं ना, इन दोनों एंगलों को हमें क्या करना है, रखना ही रखना है इस वाले में, ठीक है, यानी कि बी सी ए को रखना ही रखना है, ठीक है। तो देखो ये हो गया ए सी बी, देखो ए सी बी ये वाला एंगल हम रखे ही रखे, ठीक। अब ए सी डी को भी रखना है, ए सी डी को भी रखना है, क्यों, क्योंकि यही दोनों मिलके हमारा बी सी डी फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो चलो हमें किससे किससे हटाना है, इसे हटाना है और इसे हटाना है। चलो ए बी सी, एंगल ए बी सी देखो किसके इक्वल है, एंगल ए बी सी किसके इक्वल है, ए सी बी के ना, देखो एंगल ए बी सी किसके इक्वल है, एंगल ए सी बी के। तो हम ए बी सी को क्या लिख देंगे, एंगल ए सी बी के लिख देंगे, प्लस ये वाला तो रहेगा ही रहेगा ए सी बी, प्लस ए सी डी भी रहेगा, ए सी डी भी रहेगा, प्लस सी डी ए किसके इक्वल है, देखो सी ये हो गया सी डी ए किसके इक्वल है, ए सी डी के ना, ए सी डी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, इस वाले को, इस वाले को हम एंगल ए सी डी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 180 लिख सकते हैं। अब देखो ये दोनों मिलके 2 हो जाएगा, ये भी दोनों मिलके 2 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं, ये हो जाएगा 2 एंगल ए सी बी प्लस 2 एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 180। देखो इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो 2 एंगल ए सी बी हो जाएगा प्लस 2 एंगल ए सी डी हो जाएगा इक्वल टू 180 हो जाएगा। अब यहां से 2 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो 2 कॉमन हो जाएगा तो एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी, ठीक है, इज इक्वल टू 180। अब 2 से काट सकते हो, ठीक है, तो 2 से 180 कटेगा 90 टाइम, ठीक है। अब देखो एंगल ए सी बी, ए सी बी यानी कि ये वाला प्लस ए सी डी ये वाला, इन दोनों का प्लस अगर लिखा गया है तो हम क्या लिख सकते हैं एक एंगल के रूप में, बी सी डी लिखा जा सकता है ना, तो लिख देते हैं एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, जो हमें यही प्रूव करना था, राइट एंगल, 90 का मतलब राइट एंगल हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके बाय।